नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास, पीड़िता ने दी तहरीर, नहीं हुआ अभी तक मुकदमा दर्ज। घटना जनपद आगरा थाना ताजगंज एकता चौकी के मारुति सिटी रोड माधव विहार कॉलोनी की है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना ही सामने। पीड़िता इस कोठी के मालिक दीनदयाल के यहां पिछले 2 माह से मेड का कार्य कर रही थी। पीड़िता का आरोप है कि दीनदयाल ने मौका देखकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़िता के परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, आरोपी को लिया हिरासत में। ताजगंज थाने में पीड़िता ने दी तहरीर, नहीं हुआ अभी तक मुकदमा दर्ज। नवबारा समाचार आगरा से योगेश चौहान। छोड़ दो इतना कुछ कही थी भैया से, मैं तो भैया ने इसकी मतलब कुछ पकड़ा दकड़ी इसकी संग में करी थी। ये आपको बच्ची ने कब बताया? मुझे सुबह बताया था, जब मैं 9 बजे काम पे जा रही थी अपने पे, तब इसने मुझे बताया था कि मम्मी, मैंने कहीं पूछी से, मैं पूछती रहती हूँ अपनी लड़कियों को कि तुम्हारी कितनी कोटी हो गई, कि मम्मी मेरी 2 कोटी हो गई है और वो दीदी के जाने जा रही हूँ। मैंने क्यों, मैंने ऐसे पूछी थी, मैंने क्यों नहीं जा रही है, कि नहीं कल भैया ने मेरे संग बदतमीजी करी है, तो मैं फिर वहाँ पे आई हूँ। कितना टाइम हो गया काम करते हुए? इसे 2 महीने करे हुए होंगे, और बनने 8 साल हो गई काम करते करते, जब से हम काम कर रहे हैं, जब से किसी को मैं भी नहीं कह सकता है कि इसकी लड़कियां गलत हैं, जब किसी से भी तुम पूछो कुछ कर लेना। क्या चाहती हैं? हम तो इनको सजा ही दिलवाना चाहते हैं। जब अभी मेरी लड़कियों के संग करें, अब कल किसी दूसरी लड़की काम करने आवे तो उनके भी संग करेंगे जो तैसे हैं, जिसकी वो देखो और उनकी उम्र देखो, जब बच्ची है तुम्हारी। कितनी है? 15 साल। 15 साल की। कितनी बच्चे हैं? मेरे 5 लड़की हैं। 5 लड़की हैं। सबसे बड़ी है? नहीं नहीं, जो क्या कहते, 4 इंच छोटी है। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा कहाँ के निवासी हैं? ये आगरा के। आगरा के निवासी हैं। आपके पति पे आरोप लगाया जा रहा है, क्या इस क्या कहेंगे? सब झूठा है, मेरा पति का इसमें कोई हाथ नहीं, कुछ नहीं, सब झूठ बोल रहा है। मेरे घर से 1.5 लाख रुपए का हार चोरी हुआ है, और ये जब ये पुलिस लेके आई, मेरे पति को पकड़ के ले गई, उसके बाद मैंने चेक करा, मेरे अलमारी में हार नहीं है, इसीलिए ये सब कर रही है। हार कब चोरी हुआ है? कल ही चोरी करके ले गई। हम लोग चले गए हैं दवाले में 11:30 बजे, बच्चे घर पे थी, ये अकेली काम कर रही थी। तो क्या आपने कोई प्रशासन तब मैंने देखा ही नहीं, जब आज इसने ये कराया तब मैंने चेक करा कि कैसे कर रही है ये सब, इसकी ये कहना है ये जो आपके यहाँ लड़की कार्य करती थी उसके लगाए थे आरोप, सब निराधार? हाँ, निराधार है भाई। मैंने इसको निकालने की कही, इसने मेरे पैर पकड़ लिए थे, बोला आंटी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसको चोरी करने का सबसे कम कर रही है 2 महीने से। 2 महीने हो गए काम करते हुए। पूछो इससे, मैंने इससे बोला था कि मैं तुझे नहीं रखूंगी, इसने मेरे पैर पकड़े थे, इसीलिए पकड़े थे कि चोरी करके ले जाएगी मेरे घर से। अच्छा। ये है, 15 दिन पहले मैंने इसको घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन ये निकली नहीं थी। आप क्या चाहती हैं? ये चाहती हूँ हमें न्याय मिले भाई, मेरा पति निर्दोष है, उनको न्याय मिले। क्या घटना क्या हुई बेटा? अंकल ने बोला था कि उस रूटी जाल उतार दे। क्या नाम है अंकल जी का? दीनदयाल। कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं ये? माधवदयाल। माधव जी, आप क्या उनके यहाँ काम करती हैं? जी। कब से काम कर रही हैं? 2 महीने होने को आ रहे थे। 2 महीने होने को। क्या घटना क्या हुई आपको बताइए? उन्होंने बोला था कि मेरे बाथरूम में से जाल उतार दो, मैं ना चली गई थी उनके पीछे पीछे, तो वो मेरे पीछे पीछे आ गए थे, तो मुझे उन्होंने अपनी गोदी में भर लिया था, तो वो फिर मैंने माल जाल उतार दिया, फिर मैं उनकी वाइफ के पास चली गई। तो मैं, आपने जब उन्होंने मतलब गलत हरकत करने का प्रयास किया था, आपने विरोध किया था इसका? हाँ किया था। फिर क्या हुआ? फिर मैं छोड़ा ही नहीं, फिर मैं जबरदस्ती अपने आप छूट के आ गई बाथरूम में से। हाँ। उसके बाद क्या, उसको आपने अपने परिवार वालों को बताया, घर वालों को? नहीं, ये तो नहीं बताया। कब बताया था आपने? अभी। क्या उन्होंने कोई धमकी दी थी आपको? नहीं, धमकी तो नहीं दी। क्या बोल रहे थे वो? उन्होंने कुछ धमकी नहीं दी थी, इन्होंने यही बोला था कि किसी को मत बताना ये। अच्छा, किसी को बताना। हाँ। आपने अपने घर वालों को कब बताया ये बात? सुबह बताया। हाँ। क्योंकि कल मैं डर गई थी, तो मैंने डर के मारे किसी को नहीं बताया था। बेटा, इससे पहले भी आपके साथ ऐसी घटना हो चुकी है, ऐसे इस तरह की उन्होंने घटना की है आपके साथ? नहीं, किसी ने भी नहीं की। नहीं, उन्होंने जो आपको जो अंकल जी हैं? हाँ, एक बार हाथ पैसे दिए थे तो हाथ टच हो गया था, तो मैंने इग्नोर कर दिया था उन्हें।
हस्बैंड की साथ ऐसे हो गया होगा, तो फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया, फिर हमने उन्होंने अब करी हरकत। ये घटना के बारे में आपने किन किन को बताया था अपने घर में? बड़ी वाली दीदी को ही बताया था। बड़ी दीदी को, मम्मी को बताया था क्या आपने? नहीं, मम्मी को तो अभी बताया था 10 बजे। अब बेटा क्या चाहते हो आप? मैं तो चाहती हूँ मैं भी इंसाफ मिल जाए। आपको इंसाफ मिले या उनको? मुझे अभी और उन्हें अभी दोनों को मिल जाए। आप कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, वो आज तो उन्होंने मेरे साथ करा, कल किसी लड़की के साथ भी करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अनन्या। अच्छा अनन्या बेटा, ये बताओ जब ये जो दीदी आपके यहाँ काम करती हैं, ये आपके यहाँ कल कितने बजे आई थी? कल 11:00 आई थी। 11 बजे करीब आई थी? हाँ। अच्छा 11 बजे आई थी, तो इन्होंने घर पे आपके कौन कौन था उस टाइम? मैं थी और मेरी बहन थी और ये थी बस। अच्छा, मम्मी पापा नहीं थे? मम्मी पापा चले गए थे। कहाँ गए थे मम्मी पापा? दवाई लेने गए थे। दवाई लेने गए थे? हाँ। अच्छा मम्मी पापा कब आए हैं आपके यहाँ घर पे? जब वो आए थे तब मैंने क्लॉक की तरफ देखा था तो 1 बज चुका था। 1 बज रहे थे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो बेटा जिस टाइम जैसे दीदी बता रही हैं कि पापा ने गंदी बात करी है, तो उस टाइम उस कलम आपके पापा नहीं थे? जब पापा आए थे तब मम्मा ने कहा था कि बाथरूम में वो कर दो, है ना, तो पापा वहाँ पे टब लगा के बाहर आ गए, और वो कमरे में जब पापा टब लगा रहे थे तो बाहर ही खड़ी थी, और जब पापा बाहर आए तो बताने लगे कि यहाँ पे वो जाला है, यहाँ पे वो जाला, मैं देख रही थी। अरे जब साफ हो रहे थे तब आप वहीं पे थे? हाँ, वहीं पे मैं देख रही थी क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा एक चीज बताइए, छत पे आप भी थे क्या? मतलब छत पे? हाँ, छत पे मैं थी। जब पापा आ गए थे ना तब सब लोग ऊपर आए थे, पापा मम्मा, उसके बाद मम्मा नीचे चली गई थी, तो पापा ऊपर बैठे बैठे ऊपर झाड़ू लगी थी ना, तो उन्हें साफ करवा रहे थे और झाड़ू लगवा रहे थे, वो बाहर झाड़ू लगाने लगी, हम बैठे थे अंदर।